हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया। स्वागत है आप सबका मेरे किचन कुकिंग फॉर यू में। आज हम जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ अलसी सीड्स। अलसी सीड्स को फ्लैक्स सीड्स कहते हैं और इसे लिनसीड्स के नाम से भी जानते हैं और बहुत जगह पे इसे तीसी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और इसे कैसे यूज़ करते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये पैकेट में जो बाज़ार में अवेलेबल होती हैं वो फ्लैक्स सीड्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसे मैंने पैकेट, ये लगभग 200 ग्राम का पैकेट था, अभी मैं इसे ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ। तो मैंने पैन को चढ़ा दिया है 5 मिनट के लिए और ये हीट हो गया और मैंने यहाँ पे इसमें ये अलसी का सीड्स डाल दिया है। तो अभी ये अलसी के सीड्स के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसे हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि ये रेडी कैसे करते हैं, इसे खाया कैसे जाता है। तो कंटिन्यूसली हम 5 से 8 मिनट तक इसे ड्राई रोस्ट करते हुए चलाते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अलसी के बीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही हाई प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 होता है इसके अंदर, फैट होता है, प्लस ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए तो ये वरदान है। बट कई बार होता है कि लोग अलसी के सीड्स के यूज़ को नहीं जानते कि इसे खाया कैसे जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि अलसी जो होता है इसे अगर आप पानी के साथ मिक्स करते हो तो ये स्लाइम सा होता है। तो उसे स्लाइम जैसा ना हो तो उसे, उसके लिए हम इसे ड्राई रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे मैंने पैन में डाल दिया था और लगभग 5 से 8 मिनट तक हम इसे सूखा ड्राई करेंगे और जब तक ये एरोमेटिक होता है हम इसे फ्राई करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बस हाँ, ड्राई रोस्ट करते हुए इसमें हम अगर आपको थोड़ा सा फ्लेवर एक्स्ट्रा चाहिए तो हम इसमें 5 to 8 रेड चिलीज ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो हमारी अलसी सीड्स होगी, जब हम इसको ग्राइंड करेंगे और इसका फाइन पाउडर बना के हम इसे यूज़ करेंगे तो इसमें एक अलग सा फ्लेवर आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमें ड्राई चिली डाल देना है और इसको साथ ही रोस्ट कर लेना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है, बिल्कुल ये एरोमेटिक होने तक हम इसे, इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। कई बार ये अलसी का जो सीड्स होता है ये जैसे आप अगर मेक श्योर कि अगर आप इसे फ्राई कर रहे हैं तो अपने मुंह को, चेहरे को कवर करके रखें, बिकॉज़ ये चटकते बहुत हैं और ये एकदम से गर्म आपके फेस पे आ गया ना तो फिर ये डिस्टर्ब करेगा। तो देखिए यहाँ पे इसका कलर एकदम से चेंज हो गया है 5 से 8 मिनट भूनने के बाद। ये बिल्कुल एरोमेटिक होता है, एक अलग सा स्मेल आएगा आपको। ओवर नहीं करना है, ज़्यादा हमें इसे जलाना नहीं है, बट लगभग 5 to 8 मिनट्स इतना हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। अलसी के सीड्स जो होते हैं इसमें हमें फाइबर भी मिलता है, ओमेगा 3 भी मिलता है, तो ये हाई प्रोटीन होते हैं। अगर आप इसे सुबह सुबह खाली पेट खाते हो तो इसके अलग बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे हमें गैस को बंद कर देना है। इसे हम ग्राइंड करेंगे बट उससे पहले ध्यान रखना है कि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। जब तक ये बिल्कुल, आप इसे चाहें तो पंखे के नीचे रख दें या फिर 2-3 घंटा के लिए ऐसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। और जो आपका मिक्सर जार होगा ये बिल्कुल ही ड्राई होना चाहिए, अगर इसमें ज़रा सा भी पानी होगा तो ये स्लाइम या स्टिकी हो जाएगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि ठंडा होने के बाद ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसका हम एक फाइन पाउडर रेडी कर लेंगे। इसे हम रोटी के साथ, चावल के साथ, ऐसे भी सब्जी के ऊपर आप पाउडर डाल के, जिन्हें नहीं पता इसका यूज़ कैसे करते हैं, आप उसे खा सकते हैं। और इससे आपका जो ब्लड शुगर होगा वो भी कंट्रोल होगा। और मॉर्निंग में अगर आप इसे ड्राई फ्रूट के साथ, 5 आलमंड्स एंड कैशियो के साथ अगर इसका भुना हुआ ये रख लेते हैं, भुना हुआ जो फ्लैक्सीड्स होता है, आप 1 चम्मच ड्राई फ्रूट के साथ ये खाली पेट ले सकते हैं। इसके भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्स्टिपेशन वाली अगर शिकायत है किसी को वो चली जाएगी अगर आप इसे खाली पेट लेते हैं तो। अदरवाइज़ जो हम इसका पाउडर रेडी करेंगे उस पाउडर को हम नींबू के साथ या दही के साथ पानी में मिक्स करके रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। ये पेट को बहुत ठंडा रखता है। और थायराइड हो गया या फिर जिनको मोटापे की शिकायत है ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो एक बार आप ट्राई करें, जिन्हें नहीं आता तो एक बार इस मेथड से, मेरे बताए गए तरीके से आप इसे यूज़ करके देखें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आई होप इसका टेस्ट भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इसे एक ड्राई कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और ये रेडी टू यूज़ है अब और सर्व कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आप इसे खाएँ और हेल्थ बेनिफिट्स पाएँ।
तब तक मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ।